हेलो गाइज नमस्ते जय मैं सी जो हार कर लगी और तेजिसु कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं कुछ अपडेट्स आप लोगों को देना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मेरे फैमिली में हो गई है और इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि लाइव आ जाओ ना, क्योंकि मैंने दिस वीकेंड में ना सैटरडे को लाइव आने वाली थी। मैं पोस्ट भी की थी, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। मैं पोस्ट की थी कि हम लोग, मैं मेरा हस्बैंड दोनों लाइव आने वाले हैं बोल के, और कितना 8:30 बजे इंडियन टाइम में आने वाले थे, और उसके थोड़ी देर पहले ही मैंने फिर पोस्ट डाला कि मैं नहीं आ पाऊँगी बोल के, सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगी कुछ वजह से बोल के। तो सैटरडे इवनिंग को जो हम लोगों का अमेरिका में, तो मेरा सैटरडे सुबह हो रही थी, पता नहीं कितना बज रहा था, लेकिन सैटरडे शाम को ऐसे 4:30 बजे की बात है, और मेरी मम्मी ड्यूटी में थी अपने काम में। मेरी माँ चाय बगान में काम करती है और काम में ही से पत्ती शायद ना फैक्ट्री में लेके जा रहे थे, चल रहे थे, और उनका एक्सीडेंट हो गया। मेरा मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और वो अभी हॉस्पिटल में है। उनका हालत अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट कार से हुआ है, एक कार ने उनको हिट कर दिया। ऐसा सिचुएशन है और ऐसा सैटरडे मॉर्निंग को मुझे पता चला, वो भी ठीक तरीके से पता नहीं चला था। किसी ने मुझको फ़ोन किया और बताया कि तुम्हारा मम्मी का ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन कहाँ पे है, कौन हॉस्पिटल में है, कैसा है, हमें भी ठीक से पता नहीं है। तो मेरा सुबह का शुरुआत ऐसे हुआ, तो कुछ भी कर नहीं पाई, कुछ भी सोच नहीं पाई, कुछ भी मतलब क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था ना, ऐसा हो गया था। और इस वजह से मैं लाइव में नहीं आई, क्योंकि आप सोच ही सकते हैं फैमिली मेंबर में कोई कुछ हो जाने से ना। तो अभी भी मम्मी का हालत ठीक नहीं है, उनका सर्जरी है, बहुत चोट आई है, बोन्स टूट गए हैं ऐसा ना, तो हार्ड सिचुएशन है मेरे फैमिली के लिए। और मैं अभी यहाँ अमेरिका पे हूँ और तो सब कुछ फ़ोन में जान पा रही हूँ ना, कुछ भी फ्रेश न्यूज़ नहीं है, वेट करना पड़ रहा है ऐसा है। तो इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं सेंड कर रही हूँ, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। हो सकता है तो शायद मैं इंडिया आऊँगी, इंडिया भी शायद आ सकती हूँ, शायद नहीं भी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ डिसीजन अभी ये मोमेंट में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन बहुत कोई ना वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो डालिए या फिर लाइव में आइए, तो मैं भी क्या करूँ, ऐसा हो गया। वीडियो तो है पहले ना, लास्ट वीक का जो मैं बनाई हूँ, लास्ट वीक में लाइव में भी बोली थी कि मूवी देखने गए थे बोल के, तो है वीडियो है, लेकिन कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा सिचुएशन है। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों को यही अपडेट दे रही हूँ, तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखिएगा, धीरज धरिए, और जब ठीक लगेगा, जब हम लोग कुछ डिसीजन में आ पाएंगे, तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो भी डालूँगी, और धीरे धीरे करके जब समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो अगर जब भी सिचुएशन नॉर्मल होने की कोशिश होगा, हम भी अभी इमोशनली वीक है ना, तो तब मैं आऊँगी लाइव में भी और आप लोगों को बताऊँगी, अपडेट दूँगी कि मैं इंडिया जा रही हूँ कि नहीं, क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है फैमिली में ये सब। लेकिन अभी इस समय आप लोगों की पेशेंस की ज़रूरत है, और जो भी है ना ऊपर वाला को विश्वास करता है, जो भी गॉड को विश्वास करता है, जो भी यीशु मसीह को विश्वास करता है, प्लीज़ हम लोगों के प्रे, हम लोगों का फैमिली के लिए प्रे कर दीजिएगा। यही बोलूँगी, जो भी मुझको जानते हैं आप लोग, दीदी बोलते हैं ना मुझको, कोई बेटी बोलते हैं, तो इस समय में हमारे फैमिली को प्रे की ज़रूरत है। आप लोग प्रे कर दीजिएगा। ये वीडियो मैं कोई सिंपथी के लिए नहीं बना रही हूँ ना, लेकिन अपडेट के लिए ना, क्योंकि अभी लोग पूछते हैं आप क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हो, क्या हो गया, क्यों लाइव नहीं आ रहे हो, और सबको मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी। इवन किसी ने मेरे वीडियो में कमेंट भी किया है कि उसके मम्मी के लिए प्रे कर दो, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, नहीं तो कौन इस समय में ना वीडियो नहीं डालेगा या कुछ। तो ये है, आप इस समय में थोड़ा धीरज धरिएगा,
प्रे कर दीजिएगा हम लोगों का फैमिली के लिए। और क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर वाला ना प्रभु भी हम लोगों को अच्छा रास्ता दिखाए, हम लोग भी डिसीजन ले पाए जाए कहीं ना जाए। मुझे जाने का मन है लेकिन अब वो भी इजी नहीं है ना, बहुत दूर की बात है, पैसों की बात है, फिर ट्रीटमेंट में भी खर्चा, तो बहुत सारा चीज़ है, मिक्स थॉट्स है। मैं डिसीजन ले नहीं पा रही हूँ, एडवाइस ले रही हूँ अपने बड़ों से। तो ऐसा है तो आप लोग काम रहिएगा, प्रे कर दीजिएगा मेरे मेरे फैमिली के लिए, हम लोग भी अच्छा डिसीजन में आ सके, मेरे मम्मी का भी वो हो सके बोल के ना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, प्लीज़ प्रे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।